सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आइए आप अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था प्रतापपुर से लेकर और मेरठ सेंट्रल के बीच में। आज आप लोगों को दिखाएंगे मेरठ सेंट्रल से लेकर और मोदीपुरम का डिपो एंड तक। दोस्तों तो बने रहिए के पी संत के साथ में और वीडियो को लाइक कर दो। और दोस्तों, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो जल्दी से जल्दी, ताकि भाई को मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा और आप लोगों के बीच में काम करने का मन भी करता है। दोस्तों, एक से एक वीडियो हट के आने वाले हैं केपी संत के चैनल पर, ताकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने को, आने वाले वीडियो तो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। दोस्तों तो देख सकते हो, ये है मोदीपुरम RRTS का स्टेशन, जिस पर कौन कौन लेवल पर अभी देख सकते हो क्या किया जा रहा है। ये आई गटर द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जा रहा है और दोस्तों इस पर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है। ये देखो, ये जो लोहे के लग रहे हैं पिलर के ऊपर, इन पर लॉन्चर सेट किया जाएगा, फिर बायोडक्ट को कनेक्ट करेगा एक पिलर से दूसरे पिलर को। दोस्तों तो यही वर्क चल रहा है अभी RRTS के लाइन पर। दोस्तों, जो कि कॉरिडोर बनाया जा रहा है हमारे दिल्ली के सराय काले खां से स्टार्ट होता है और ये मेरठ के मोदीपुरम में जाके एंड होता है। दोस्तों, 82 किलोमीटर का ये रूट है। दोस्तों, और 82 किलोमीटर के रूट में दोस्तों 12 किलोमीटर का पार्ट इसमें एलिवेटेड है, अंडरग्राउंड है, यानी कि 6 किलोमीटर का रूट दोस्तों इसमें आनंद विहार के अंदर है, यानी कि दिल्ली के अंदर, और 6 किलोमीटर का ही रूट दोस्तों इसमें अंडरग्राउंड मेरठ के अंदर है। दोस्तों, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो और आप लोगों को दिखाएंगे ऐसी तस्वीरें, तो देख सकते हो ये है मेरठ सेंट्रल का आप सभी को व्यू देखने के लिए मिल रहा है, जो कि अंडरग्राउंड टनल बनाई जा रही है उसका व्यू आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। हैवी हैवी क्रेन मशीन ये आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी इस जगह पर। दोस्तों, और आगे ये देख सकते हो, ये यहाँ पर ये आ जाता है क्या, फुटबॉल चौक मेरठ का। दोस्तों, इसे बोलते हैं फुटबॉल चौक। तस्वीरें देख सकते हो, वो फुटबॉल लगी हुई है, ये है फुटबॉल चौक और इसे बागपत चौक भी कहा जाता है। दोस्तों, चलते हैं आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं चल के कहाँ का, बहसाली का। तो बहसाली का स्टेशन देखो ये है, वो भी अंडरग्राउंड होने वाला है, जो कि मेरठ के अंदर बहसाली बस स्टैंड है उसके ही नीचे। ऊपर तो आप लोगों को बता दूं कि बसेस चलेंगी और नीचे इसमें RRTS का स्टेशन रहेगा, जहां पर रैपिड रेल दोस्तों दौड़ेगी, जिसमें कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो टाइम लगता है दोस्तों मेरठ से दिल्ली के बीच में, वो 3 से 3.5 घंटे लगते हैं दोस्तों। और इसको रैपिड रेल को बन जाने के बाद में दोस्तों सिर्फ ये इसमें जो टाइम लगेगा दोस्तों, मात्र 45 मिनट का टाइम लगना है। दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर स्टेशन को बनाया जा रहा है बहसाली के अंदर दोस्तों, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में आता है दोस्तों, बस स्टैंड है। तो देख सकते हो बहसाली के अंदर ही ये बिल्डिंग बनाई जा रही है, किसकी, स्टेशन की बिल्डिंग। देखो, यहाँ से ये देखभाल की जाएगी, यहाँ पर पब्लिक आ सकती है, यात्रीगण यहीं से आना जाना इसी से होगा दोस्तों यहाँ पर, और बस स्टैंड भी। और देख सकते हो आप लोगों को कि यहाँ पर कितना जाम का सामना करना पड़ता है, स्लो डाउन रहता है, क्योंकि यहाँ पर ई रिक्शे, ऑटो रिक्शे दोस्तों, और जो लोकल बसेस हैं वो भी, और प्राइवेट बसेस भी। तो इस वजह से यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्या देखने के लिए मिलेगा, स्लो डाउन दोस्तों। और ये आ चुका है देख सकते हो बेगम पुल दोस्तों, और बेगम पुल में भी एक स्टेशन बनाया जा रहा है। ये मेरठ के अंदर में 3 स्टेशन अंडरग्राउंड है दोस्तों, यानी कि ज़मीन के अंदर। एक तो है मेरठ सेंट्रल, दूसरा है बहसाली, तीसरा है बेगम पुल दोस्तों। उसके बाद में फिर ये एलिवेटेड लाइन हो जाएगी दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए और बताया जाए दोस्तों। और आपको बता दो, ये 30,274 करोड़ की लागत से इस कॉरिडोर को बनाया जा रहा है। सन 2019 में इसका नरेंद्र मोदी द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था दोस्तों, यानी कि शिलान्यास किया गया था। और देख सकते हो यहाँ पर ये अब ये ऊपर आती चली जा रही है, देख सकते हो ये एलिवेटेड पार्ट होता चला जा रहा है। यहाँ पर ये सेटरिंग लगी हुई है, क्योंकि ये ट्रैक को बना रहे हैं दोस्तों।
तस्वीरें देख सकते हो, यहाँ पर ये टीम लगी हुई है। और उससे पहले यहाँ पर एक लॉन्चर लगाया गया था और लॉन्चर ने देख सकते हो कितना ये बायोडेक्ट कनेक्ट कर चुका है ये लॉन्चर, आप लोग देख सकते हो। और आगे आप सभी को ये लॉन्चर देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, क्योंकि वो आगे बायोडेक्ट को जोड़ता हुआ जा रहा है, यानी कि कहाँ की साइड में ये जा रहा है दोस्तों, मोदीपुरम की साइड में गई। देखो एक लॉन्चर ये है। अब आप लोग लॉन्चरों की गिनती करना कि यहाँ पर इस रूट पे के लॉन्चर ही लॉन्चर आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। तो देख सकते एक लॉन्चर ये रहा, दूसरा लॉन्चर आप सभी को ये दूसरा लॉन्चर देखने के लिए मिलेगा। देखो वो रखा हुआ है, ठीक है ना, ये देखो। और आगे आप लोग इसके आगे जो स्टेशन आने वाला है दोस्तों, वो आने वाला है MES कॉलोनी RRTS का स्टेशन दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि ये मेरठ मेट्रो के लिए ही स्टेशन बनाया गया है, लेकिन लैप रैपिड रेल के लिए स्टेशन नहीं है दोस्तों। देख सकते हो यहाँ पर ये बीच में दोनों पिलर के बीच में ये बीम लगा दिया है। बीम लगाने के बाद में फिर इस पिलर को और उस पिलर को कनेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि कंक्रीट की मदद से ये इसको ज्वाइंट कर दिया जाएगा, ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आपको बता दूँ कि MES कॉलोनी पर देख सकते हो इसका कॉन्कोर्स लेवल तो बन के कम्प्लीट हो चुका है, लेकिन प्लेटफॉर्म लेवल अब बनाया जा रहा है, उसी का इस पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है दोस्तों तेज़ी के साथ में। और जो यहाँ पर कंपनी वर्क कर रही है वो दोस्तों है L&T, और उधर जो अंडरग्राउंड सेक्शन बना रही है वो है दोस्तों F-Cons। तस्वीरें देख सकते हो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आप सभी को लॉन्चर देखने के लिए मिलेंगे। तीसरा लॉन्चर देखो यहाँ पर लगाया गया है, देख सकते हो MES कॉलोनी से आगे, जिसने एक पिलर को एक दो पिलर को इसने बायोडक्ट ने जोड़ भी दिया है दोस्तों। तो यही काम चल रहा है। और आप लोग बताओ स्टेशन दोस्तों आ चुका है दौरली, RRTS का स्टेशन है दोस्तों। देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, पिलर बन के कम्प्लीट हो चुका है। अब इसमें बीच में बीम रखा जाएगा और बीम रख देने के बाद में दोस्तों इस पिलर को और उस पिलर को जॉइंट कर दिया जाएगा दोस्तों, यानी कि जोड़ दिया जाएगा। और देख सकते हो इसमें तीनों तरफ, आप लोगों को बता दूं कि पिलर तो पहले ही बन के तैयार हो गए थे, अब इनके बीम बनाए जा रहे हैं, यानी कि कॉन्कोर्स लेवल के लिए दोस्तों सेटिंग लगी हुई है। सरियाओं का जाल भी बना दिया है इन्होंने, अब इसमें बस कॉन्क्रीट की मदद से इस बीम को बना लिया जाएगा। और बीम को बनाने के बाद में दोस्तों फिर इसमें क्या, इसमें लगाए जाएंगे आई गटर दोस्तों, आई गटर द्वारा इसमें लॉन्च किया जाए, जैसे देखो यहाँ पर किए गए। ये देख सकते हो सेटिंग लगी हुई है, ये फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है, यानी कि कॉन्कोर्स लेवल को बनाया जा रहा है दोस्तों। और ये जो स्टेशन है वो है दौरली RRTS का। और ये भी आपको बता दूँ क्या दोस्तों, ये मेरठ मेट्रो के लिए ही स्टेशन होने वाला है, ना कि ये रैपिड रेल के लिए है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो कि अभी बहुत सारा काम है, ये पिलर अभी बनाने के लिए बचा भी हुआ है, काफ़ी
पिलर तो पहले ही बन के कम्प्लीट हो चुके थे दोस्तों, लेकिन पियर कैप का काम अब हुआ है इन पे और कुछ पिलर बनाए जा रहे हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो देरी का काम है वो आपको बता दूं कि जो 17 किलोमीटर का पार्ट है दोस्तों, यानी कि प्रायोरिटी सेक्शन है साहिबाबाद से लेकर और दोहाई के बीच में दोस्तों, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया था काम के लिए वहीं उसी बीच में दिया गया था, तो इस वजह से यहाँ पर मेरठ के अंदर में बहुत स्लो काम चल रहा है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, सारे पिलर का पियर कैप बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है, बस लॉन्चर लगाना है और बायोडक्ट को एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट होता हुआ चला जाएगा लॉन्चर के द्वारा दोस्तों। पर ये दोस्तों देख सकते हो, ये मेरठ का बाईपास आ जाता है जो कि मुजफ्फरनगर और हरिद्वार के लिए निकल जाता है, और उससे पहले राइट में ये लाइन चली जाती है यानी कि मोदीपुरम और मोदीपुरम के डिपो के लिए दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, और हम इस फ्लाईओवर को क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस करने के बाद में फिर हम इस पर बाईपास पर चलेंगे, मेरठ बाईपास पर दोस्तों। आगे दिखाएंगे चल के आप सभी को कि जो मोदीपुरम का डिपो है उस पर क्या कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या वर्क अभी इस टाइम पे किया जा रहा है, वो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो बने रहो केपी संत के चैनल पर ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो कि ये है मोदीपुरम का RRTS के स्टेशन, जिस पर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है, गाटर लॉन्चिंग कर दी जा चुकी है, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। और इस पर आपको बता दो कि ये जो इसके बीन्स हैं उसको बीन्स को ऐड किया गया है, उस पर ही अभी सेटिंग उतारी जाएगी, फिर उसके बाद में काम किया जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं और मोदीपुरम का डिपो दिखाते हैं चल के आप सभी को, तो बने रहिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। दोस्तों देख सकते हो राइट में से अब ये लेफ्ट में कर्व ले लेगी दोस्तों, बीच में भी इसके पिलर बनाया जाएगा हाईवे के, और ये लेफ्ट में आ जाती है दोस्तों। देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, इस पर भी पियर कैप का काम हो चुका है, बीच बीच में इस पर पियर कैप लगाए जा रहे हैं दोस्तों, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा मोदीपुरम का डिपो। देखो ये लॉन्चर रखा हुआ है, इंस्टॉल किया जा रहा है इसके ऊपर दोस्तों, और ये गाटर रखे हुए हैं जो कि ये मोदीपुरम के डिपो में लगाए जाएंगे दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, यहाँ से ये पिलर अभी बनाए जा रहे हैं, सेटिंग लगी हुई है, यानी कि ऊपर को ये पिलर बढ़ाए जा रहे हैं, इन पर सरियाओं का जाल बना दिया, रिंग भी लगा दिए, देख सकते हो अभी ये फाउंडेशन बना के और ये सरियाओं का जाल बस से लगाया गया है दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप सभी को पिलर ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, जिन पर आधे पिलर का तो आपको बता दो पियर कैप का काम हो चुका, आधे पिलर अभी बचे हुए हैं दोस्तों। और ये डिपो में देखो, ये मोदीपुरम का डिपो ये आ चुका है, कॉन्कोस्ट लेवल देखो बन चुका है दोस्तों, जिस पर फ्लोरिंग का काम हो चुका है और सेटिंग लगी हुई है। आप लोग तस्वीरें देख सकते हो कि ये बीम बनाते हैं, बीम बना के फिर इस पर इसको देखो, ये बीम डाल रहे हैं ना पिलरों के बीच में, बीम डालने के बाद में फिर इस पर गाटर ये आई गटर डाले जाते हैं, आई गटर डालने के बाद में फिर इस पर फ्लोरिंग का काम किया जाता है। तो यही वर्क चल रहा है मोदीपुरम RRTS के डिपो पर दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, और यहाँ पर NCRTC का ऑफिस भी है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, यहाँ पर सेटिंग लगी हुई है, सारे पिलर को इंस्टॉल किया जा रहा है, इंस्टॉल तो हो चुके हैं दोस्तों, लेकिन जो पिलर के बीच में जो बीम डालने का काम है ना वो किया जा रहा है दोस्तों। देखो ये है NCRTC का ऑफिस गाइस, तस्वीरें देख सकते हो, यहाँ पर भी है सारे पिलर में, मतलब कि फाउंडेशन पहले ही बन गया था, अब ये पिलर को ऊपर बढ़ाने का काम किया जा रहा है दोस्तों, यानी कि इसमें पिलर में ये सरियाओं में रिंग लगाए जा रहे हैं, रिंग लगाने के बाद में फिर इस पर
इसका वो कैप लगाते हैं, कैप लगाने के बाद में कंक्रीट भर दिया जाता है, पिलर ऊपर हो जाता है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी लंबा चौड़ा ये मेरठ का मोदीपुरम का डिपो है दोस्तों, लेकिन दोहाई से बड़ा नहीं है कि दोहाई पे इसका मेन डिपो है दोस्तों। वहाँ पर गाड़ियों की जो रैपिड रेल है उनकी देखभाल की जाएगी, मेंटेनेंस का काम किया जाएगा, सफाई का काम किया जाएगा, सारा काम तो मतलब कि दोहाई डिपो के अंदर किया जाएगा। यहाँ तो बस ये है कि गाड़ियाँ यहाँ पर रैपिड रेल खड़ी हो जाया करेंगे और फिर इनको कंट्रोल किया जाएगा कि किस टाइम निकालनी है किस टाइम नहीं निकालनी है। तो इसलिए यहाँ पर ये डिपो दूसरा बनाया गया दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, सारे पिलर बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, इन पर पियर कैप का काम किया जाएगा क्योंकि अभी तो काफ़ी लंबा चौड़ा है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने दूसरी साइड से आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है, देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर कौन कौन लेवल बन चुका है। अब प्लेटफॉर्म लेवल बनाया जा रहा है, उस पर सेटरिंग लगा दी जा चुकी है और इस पर बीम अब डाला जाएगा। अब बीम डालने के बाद में फिर आपको बताइए कि गाटर लॉन्चिंग की जाएगी एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में, उसके बाद में ही फ्लोरिंग का काम किया जाता है दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो और ये वापसी हम लौट के आ चुके हैं कहाँ पे, मेरठ साउथ के स्टेशन पर। तो यहाँ पर भी मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को अंदर से भी दिखाऊं, कि मैंने दूसरी साइड से दिखाया था तो आप लोगों को ज़्यादा से दिखाई नहीं दिया था। तो इस वजह से देख सकते हो ये आई गटर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट कर दिया है, फ्लोरिंग का काम इस पर किया जा रहा है, यानी कि मेरठ साउथ के स्टेशन पर RRTS का। और यहीं से मेट्रो आपको बता दूँ कि मेरठ मेट्रो यहीं से स्टार्ट होगी दोस्तों और ये मोदीपुरम के डिपो तक जाएगी दोस्तों। तो काफ़ी सारे स्टेशन हैं जो आप लोगों ने देखा कि कौन से स्टेशन हैं जिस पर मेरठ मेट्रो रुकेगी दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, कौन कौन लेवल पहले ही बन गया था, इस पर सेकंड लेवल भी बना दिया था इन्होंने, अब इस पर प्लेटफॉर्म लेवल के लिए काम किया जा रहा है जिसमें पिलर के जो साइडों में होते हैं उन पर बीम डालने का काम किया जा रहा है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को दिखाया था। और आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा दोस्तों। तो आप लोग बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, वीडियोज़ को शेयर करो और नीचे हमें कॉमेंट करके बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों। KP संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। आप लोगों के बीच में मैंने आपको बता दूं कि सराय काले खां से लेकर और मेरठ के मोदीपुरम तक इसका पूरा बायोडक्ट आपको दिखा चुका हूं। अब मैं दूसरे रूट को आप सभी को दिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।